हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम ऑन योर चैनल टेक्नो गुरु। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट हैरी कंबोज। ये है मेरा चैनल, आप मेरे चैनल को यहां से सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे आप सभी को पता है कि मैं आपको कुछ ऐसी वीडियोस देता हूं जो आपको आपके यूट्यूब चैनल को, आपके ब्लॉग को और आपके एडसेंस के अकाउंट को ग्रो करने में हेल्प करती हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसी ही एक वीडियो लेके मैं आपके लिए हाजिर हूं आज। सो फ्रेंड्स, आप सभी को बताना चाहूंगा कि कुछ समय पहले गूगल एडसेंस ने हमें एक नोटिफिकेशन देना शुरू करा है गूगल एडसेंस के अंदर। सो उसके अंदर अगर आपको कोई नोटिफिकेशन आ रहा है तो उसको एक्शन लेने से पहले उसके बारे थोड़ी सी जानकारी एकत्र कर लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको पता है काफी मतलब स्ट्रगल करने के बाद एडसेंस का अप्रूवल मिलता है। तो इससे बेटर है कि अगर वहां पर हम इमीडिएटली कोई एक्शन कर दें या कुछ गलत उसके अंदर सेटिंग कर दें, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेना जरूरी होता है। और प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई भी ऐसी नोटिफिकेशन आ रही है आपके पास तो उससे पैनिक नहीं होना चाहिए। काफी सारे मेरे सब्सक्राइबर मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं कि ये क्या है, इसको कैसे करें। तो फ्रेंड्स, आप इसमें जो मैं स्टेप्स बताऊंगा आपने वो फॉलो कर लेने, ज्यादा इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। तो चलिए चलते हैं अपने एडसेंस के अकाउंट पे। उससे पहले मैं बोलना चाहूंगा, जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं एडसेंस के अकाउंट पे। ये है मेरा एडसेंस का अकाउंट, आपको दिखाता हूँ वो नोटिफिकेशन हमें कहाँ पर आ रही है। यहाँ पर हमें हाईलाइट हो गया था, यहाँ पर ऐसे लिखा आ रहा है, ये देखिए, यहाँ पर We encourage you to publish your seller information in the Google seller.json file. Visit the account setting page to review your current visibility status. तो यहाँ पर एक्शन बटन पे क्लिक करने से पहले हमें लर्न मोर बटन पे क्लिक करना जरूरी है। वहां इस पे थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, है क्या चीज। ये देखिए, यहाँ पर हमें यहीं से पता चल रहा है कि ये इन्वेंटरी मैनेजमेंट इनका सिस्टम है। यहाँ पर क्योंकि जैसे आप सभी को पता है कि गूगल एडसेंस का डाटाबेस बहुत ही बड़ा है, उसके अंदर उनको इन्वेंटरी जो है सेलर्स, बायर मतलब पब्लिशर और एडवर्टाइजर और इंटरमीडियरी जो होते हैं, उनकी जो नॉलेज, उनका जो डाटाबेस एक तरीके से मैनेज करना बहुत ही लेंथी काम होता है इनके लिए। तो उन्होंने इसके अंदर कुछ चेंजेस मांगे हैं सभी से, ठीक है। तो इसके लिए कोई ज्यादा डरने की बात नहीं है, ये उनका इन्वेंटरी मैनेजमेंट का सिस्टम है। तो देखते हैं, यहाँ पर उन्होंने लिखा है प्रोवाइड योर सेलर इन्फॉर्मेशन विद seller.json। उन्होंने क्या बोला है कि अगर हम जो सेटिंग, अगर हम एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे तो हम उस जगह पे पहुंच जाएंगे जहां पर हमने वो चेंजेस करने हैं। तो ये होता क्या है, seller.json, अगर आपने ये जानना है तो आप यहां पर जा सकते हो, इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमें बताएगा। ये देखिए लिखा है seller.json इज एन IAB टेक लैब स्टैंडर्ड दैट इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन द एड्स इकोसिस्टम एंड हेल्प द कॉम्बैट फ्रॉड। देखिए, इन्होंने फर्स्ट लाइन में सारा कुछ क्लियर कर दिया है। जो sellers.json जो फाइल है या जो भी यहाँ पर इन्वेंटरी मैनेज करते हैं, वो IAB टेक लैब स्टैंडर्ड है जो इंक्रीज करता है ट्रांसपेरेंसी, किसके अंदर में, जो इनका एड्स का इकोसिस्टम है उसको, उसके अंदर एक ट्रांसपेरेंसी करता है। तो जो पब्लिशर्स हैं, जो एडवर्टाइजर्स हैं और जो इंटरमीडियरी, जो इनके एक कैटेगरी होती है, उनके अंदर एक ट्रांसपेरेंसी लेके आएगा कि वो जो पब्लिशर है वो जान पाए कि एडवर्टाइजर कौन सा है और एडवर्टाइजर जान पाए कि पब्लिशर कौन कौन हमारी एड्स को पब्लिश कर रहे हैं, उनके बारे में प्रॉपर जानकारी यहां पर उनको पता चल जाएगी, ठीक है। यहां पर लिखा है वी एनकरेज यू टू मेक योर इन्फॉर्मेशन ट्रांसपेरेंट एंड अलो योर इंडिविजुअल और बिजनेस नेम टू बी लिस्टेड। दिस विल हेल्प एडवर्टाइजर्स टू वेरीफाई योर इन्वेंटरी। इफ योर इन्फॉर्मेशन इजंट मेड ट्रांसपेरेंट, एडवर्टाइजर्स वॉन्ट एबल टू सी योर नेम विच माइट इम्पैक्ट योर रेवेन्यू। तो यहां पर लिखा हुआ है उन्होंने कि अगर हम इसको जो सेटिंग है वो कर देंगे, जिसके ऊपर अभी हम जाने वाले हैं, पहले तो बताते हैं इन्होंने seller.json के अंदर हमें चाहिए, इनको चाहिए क्या होता है। इसके अंदर जो फील्ड है इनको, तो हमारी एक पब्लिशर आईडी चाहिए होती है, उसके बाद हमारा जो नेम है, डोमेन है, वो चाहिए होता है, सेलर टाइप चाहिए होता है, पब्लिशर है, इंटरमीडियरी है या बोथ है, उसके बाद नेम होता है हमारा, उसके बाद डोमेन नेम होती है हमारी वेबसाइट का नेम जो भी हमने इसके अंदर मेंशन करा है। यहां पर दी हुई उन्होंने सेटिंग कैसे जाके हमने वो चेंजेस करने हैं। तो चलिए अब चलते हैं वहां पर। इससे ना कुछ पैनिक होने वाली बात इसके अंदर है नहीं, यहां पर जाते हम डायरेक्टली एक्शन बटन पे जाएंगे जो मैंने ऑलरेडी परफॉर्म कर दिया एक्चुअल में। तो मैं भी आपको दिखाता हूं कैसे। यहां पर ये देखिए, मेरी सारी की सारी डिटेल आ रही है, पब्लिशर आईडी, कस्टमर आईडी, इसको मैं सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैं थोड़ा सा इसको कर दूंगा, ब्लर कर दूंगा। देखिए यहाँ पर आप अगर अपने यहाँ पर चैनल के अंदर जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे आपकी जो सेलर इन्फॉर्मेशन विजिबिलिटी है ना, वो आ रही होगी कॉन्फिडेंशियल। तो आपने क्या करना है, आपने कॉन्फिडेंशियल से हटा के इसको कर देना है ट्रांसपेरेंट।
ओनली आपने इस पे क्लिक कर देना है। ये देखिए नीचे आ रहा है योर चेंजेस आर सेव्ड। ऑटोमेटिकली जब आप ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके चेंजेस सेव हो जाएंगे। अगर आपके पास कोई आपका डोमेन नेम है तो वो भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, जैसे मेरा है www.theindianow.in, तो मैंने यहाँ पर सेव कर दिया। साइड पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए योर चेंजेस आर सेव्ड। बस इतना ही आपने करना है, इसके अलावा और कुछ करना नहीं है, कुछ पैनिक होने वाली इसके अंदर बात नहीं है, राइट। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो बनाने का टॉपिक, क्योंकि इतने सारे जो सब्सक्राइबर हैं जिनका हमें प्यार मिलता है वो मैसेज करना शुरू कर देते हैं कि सर इनका हम क्या करें। तो इसका कुछ नहीं करना, आपने जस्ट एक्शन बटन पे जाके वहां पर जो कॉन्फिडेंशियल की जगह पे आपने ट्रांसपेरेंट कर देना है, और अगर आपके पास आपकी वेबसाइट का नेम है कोई तो वो डाल देना है, जस्ट ये इनफ होगा इस चीज के लिए। सो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो बनाने का टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे सेफ फ्रेंड्स, बाय।